गोरखपुर न्यूज की टीम ने विधानसभा चुनाव की विस्तृत कवरेज करने के क्रम में रविवार को जनपद के 9 विधानसभा क्षेत्रों में से एक कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण करके वहां के वर्तमान विधायक एवं पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह और उनको चुनौती देने वाली टीवी अभिनेत्री एवं सपा की प्रत्याशी काजल निषाद से जनसंपर्क के दौरान वार्ता किया। सबसे पहले गोरखपुर की टीम को सपा प्रत्याशी काजल निषाद के बारे में पता चला कि वह जंगल कौड़िया ब्लॉक में डोहरिया क्षेत्र के भिटनी गांव में जनसंपर्क कर रही हैं। वहां पहुंचकर सपा प्रत्याशी काजल निषाद से बात किया तो उन्होंने कहा कि कैंपियरगंज में मंत्री जी का बहुत ही दबदबा है, जनता जागरूक हो चुकी है, जनता कैंपियरगंज में आज़ाद होना चाहती है, अब जनता को आज़ादी मिल रही है तथा जनता हमें भरपूर सहयोग प्यार आशीर्वाद दे रही है। और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। उन्होंने कहा कि मंत्री जी को पूछना चाहिए, जनता 30 साल से उनको चुन रही है और यहाँ गड्ढों में सैनिटाइजर भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सारी समस्याओं का समाधान 10 मार्च के बाद किया जाएगा। उन्होंने अपने बारे में बताया कि कैंपियरगंज से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद हैं तथा इसके साथ साथ अभिनेत्री, नेत्री, कवित्री, समाज सेवी, चित्रकार हूँ। उन्होंने कहा, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, जो सच है वह सच बताती हूँ और दहाड़ के बोलती हूँ। इसके बाद हमारी टीम कैंपियरगंज के भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह के जनसंपर्क स्थलों पर पहुँच उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जो विकास किया है, 2 ITI की स्थापना, 2 राजकीय डिग्री कॉलेज, 1 ग्रामीण स्टेडियम, लगभग 1300 करोड़ की सड़कें बनी हैं और जो यह बड़ी बड़ी सड़कें हैं, इस सड़क पर विरोधी भी आकर क्षेत्र में घूम रहे हैं। उन्होंने बताया कि बहुत लोगों को पता ही नहीं है विधायक का दायित्व क्या है और चुनाव लड़ने आ गए जिनको ज्ञान ही नहीं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे प्रांत से आकर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूरे पूर्वांचल में जितना विकास हुआ है, इतने बड़े पैमाने पर कहीं पर भी विकास नहीं हुआ है। सबसे बड़ा ऑक्सीजन का प्लांट लगा है, जंगल कौड़िया में आधुनिक अस्पताल बना है। उन्होंने कहा कि दूसरे प्रत्याशी पर मुकदमा भी है और हमारे ऊपर 107/116 का भी मुकदमा नहीं है। उन्होंने कहा कि जो प्रत्याशी खुद डर रहा हो, उसको यहाँ चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ईश्वर की कृपा रही तो कैंपियरगंज से विधायक आखिरी सांस तक रहूंगा। उन्होंने विरोधियों को सजग करते हुए कहा कि अनावश्यक बातें ना करें, मर्यादा में रहें, चुनाव आयोग के नियमों का पालन करें, फेसबुक ट्विटर पर अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। इस विधानसभा में विकास का मुद्दा है और विधानसभा के सभी लोगों के परिवार में परिवार के सदस्य की तरह अपने विधानसभा में रहता हूं, इसलिए हर बार जनता मुझे आशीर्वाद देती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए कैंपियरगंज से सपा प्रत्याशी काजल निषाद और कैंपियरगंज विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री विधायक फतेह बहादुर सिंह ने कहा, हमारा नेता कैसा हो, Thank you.
कोई सुविधा दीजिए ताकि लोग हम अभी बता रहे हैं अभी इनसे आइए हो गया बहादुर जैसा हो, हमारा अगुआ कैसा हो, फतेह बहादुर जैसा हो, गरीबों के नेता फतेह बहादुर, तिरंगी तैयारी, हार हैं हम भगवान धारी, तिरंगी कलम तैयारी, हार हैं हम भगवान धारी, फतेह बहादुर कमाल निशान, जिंदाबाद, 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 कमल कपूर ले माई मंत्री जी हमें मंत्री जी फतेह बहादुर हाँ फतेह बहादुर कमल निशान जिंदाबाद जिंदाबाद फतेह बहादुर कमल निशान जिंदाबाद जिंदाबाद। सर्वप्रथम सभी को नमस्कार करना चाहती हूँ, आपके न्यूज चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। पत्रकार महोदय आपका स्वागत नमस्कार। यहाँ जो है कैंपियरगंज में मंत्री जी का बहुत दबदबा है, हमेशा मुकदमे लगा देंगे, घर गिरवा देंगे और ये करवा देंगे वो करवा देंगे। जनता जागरूक हो चुकी है, जनता कैंपियरगंज में आज़ाद होना चाहती है, अब आज़ादी उनको मिल रही है। जनता भरपूर सहयोग प्यार आशीर्वाद प्रेम मुझे दे रही है और आप यहाँ देख सकते हैं किसी को बुलाया नहीं गया, अपने से सब आए हुए हैं। इसी तरह जनता जहाँ जाती हूँ भरपूर सहयोग प्यार दे रही है। और यहाँ उत्तर प्रदेश में उत्तम प्रदेश बनाने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, जो बाबा ने निरुत्तर प्रदेश बना दिया था अब उत्तम प्रदेश बनेगा। कैंपियरगंज की कुछ समस्याओं के बारे में आपने जी जी उसके बारे में आपने कुछ अध्ययन किया है क्या इसके बारे में जब जीतेंगे बालिया? जी बिल्कुल। तो क्या इसमें समस्याओं का? सबसे पहले सड़कें जो है बहुत ज़्यादा गड्ढे से भरी हुई है और सैनिटाइजर पूरा भरा हुआ है, मंत्री जी ने पूरा सैनिटाइजर भर दिया है, इतना पानी इतना नाला बह रहा है, बहुत परेशानी हो लोगों को आने में जाने में। मंझरिया में देखो तो कोई रोड ही नहीं है, जगत बेला में देखो तो कोई सड़क ही नहीं है, रोड ही नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे टोले हैं जहाँ नाली ऐसे बह रही है, सड़कें ऐसे बह रही हैं, कोई कुछ ध्यान नहीं दे रहा। गड्ढा मुक्त सड़क कहते हैं ये, लेकिन सड़क में गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है पता ही नहीं चलता। बाबा जी का क्षेत्र है, मंत्री जी का क्षेत्र है, विधायक जी का क्षेत्र है, एक बार के नहीं छः छः बार विधायक जी है, वन मंत्री भी रहे, पिताजी मुख्यमंत्री थे, ऐसा होना चाहिए क्षेत्र। कम से कम जनता जो खुश तो होनी चाहिए, जनता हर बार उनको प्यार आशीर्वाद सहयोग प्रेम देकर बार बार उन्हीं को चुन रही है, तो उनको समझना चाहिए ना कि जनता इतना मुझे प्यार दे रही है, हर बार 30 साल से जनता प्यार दे रही है सहयोग दे रही है, तो कम से कम जनता के ऊपर मुकदमे तो ना लगवाए, इनको डराए तो ना, इनको धमकाए तो ना, इनके ऊपर दबदबा तो ना बनाए। मैडम मैंने एक सवाल किया था आपसे कि ये आपकी जो क्षेत्र में घूमी है इसमें समस्याओं के समाधान के बारे में आप क्या करेंगे? समाधान किया जाएगा, सारी चीज़ों का समाधान किया जाएगा। 10 तारीख के बाद सारी चीज़ों का, जैसे शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है भाजपा में, वो उठाया जाएगा, शिक्षा उच्च क्वालिटी की सबको दिया जाएगा, महंगाई बहुत ज़्यादा है, जो हम जो है वो 5 साल 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, बेरोजगारी भी इतनी है, हम 1500 रुपये पेंशन दे रहे हैं 18,000 साल ही ना, 1090 की जो सुविधाएं हैं सारी महिलाओं के लिए वो तो है ही है, ये सारी योजनाएं लागू है, 108 102 जो एम्बुलेंस की जो है सुविधा वो सारी सुविधाएं लागू है, ये सारी सुविधाएं जो सांड के मारने से जो इंसान की मृत्यु हो जाती है 5 लाख उनको दिया जाएगा, MSP रेट पे जो है दाम दिया जाएगा किसानों को, मुफ्त सिंचाई दी जाएगी, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं सारी योजनाएं लागू होगी।
मैडम अपने बारे में कुछ जरा बताइए जो पब्लिक जानना चाहेगी, डिटेल बता दे। मैं काजल निषाद हूँ, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हूँ, नेत्री हूँ, अभिनेत्री हूँ, कवित्री हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ यानी कि समाज सेवी हूँ, चित्रकार हूँ यानी कि पेंटर हूँ, घरेलू हूँ, गृहस्थी चलाती हूँ, सभी कुछ सब जानते हैं जनता मेरे बारे में। दूसरी बात, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, कभी नहीं डरती हूँ, जो सच है उनको सच हमेशा बोलती हूँ, दहाड़ के बोलती हूँ। कोई विधायक जी ने काम नहीं किया है तो बताती हूँ यहाँ काम नहीं किया है, लाइव वीडियो के माध्यम से बताती हूँ कि यहाँ सड़क है, यहाँ गड्ढा भरा हुआ है, सैनिटाइजर भरा हुआ है, बहुत अच्छी संगमरमर की सड़कें आपको लग रही है लेकिन ऐसा है नहीं, मंत्री जी ने कोई काम नहीं किया है, अब आप लोग बदलने का काम कीजिए समाजवादी पार्टी के साथ। लगातार 6 बार विधायक रहे हैं, 7 बार जा रहे हैं, किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं? जो हमने विकास किया है बड़े पैमाने पर कैंपियागंज में, 2 आईटीआई की स्थापना, 2 डिग्री कॉलेज राजकीय, 1 ग्रामीण स्टेडियम, लगभग 1300 करोड़ की सड़कें जो 2017 से अभी तक बनी है, ये बड़ी बड़ी सड़कें जिस पर विरोधी भी आके घूम रहे हैं हमारे क्षेत्र में, और बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि विधायक का दायित्व तो क्या है और चुनाव लड़ने आ गए, जिनको ज्ञान ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे प्रांत से आकर के यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कक्ष से आकर के चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पिछले बार लोकसभा ने यहाँ निषाद प्रत्याशी दिया था और हमारे रवि किशन जी 5 लाख वोटों से जीत गए थे, जमानत जब्त हो गई थी। तो कोई ये दिमाग लगा कि लोग आ रहे हैं चुनाव लड़ने के जातिगत, यहाँ जातिगत आंकड़ा उन लोगों को पता ही नहीं है। और दूसरी बात, विकास जितना यहाँ हुआ है पूरे पूर्वांचल में, मेरा दावा है कि इतने बड़े पैमाने पर विकास नहीं हुआ। सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट का अस्पताल मेरे यहाँ बना है, मेरे यहाँ जंगल कौड़िया का आधुनिक अस्पताल बना है, कोरोना संक्रमण काल में ही ये सारी तैयारी मैंने कर ली थी। और मैं पूछना चाहता हूँ विपक्षियों से कि उस कोरोना काल में लोग कहाँ थे जो अपने आप को क्वारंटाइन करके अपने घरों में बैठे थे, आज वो जनता के शुभचिंतक बनने आए हैं। जात पात की राजनीति बंद करें लोग, और सर्व समाज की बात करें, सर्व समाज, जात पात में विवाह हो सकता है, नेता नहीं चुना जा सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सारे लोग, सर्व समाज के लोग मेरे साथ हैं, खासतौर से निषाद पिछड़े वर्ग के लोग काफ़ी संख्या में मेरे साथ चल रहे हैं और जीवन भर मेरे स्वर्गीय पिताजी के साथ और मेरे साथ रहते हैं। एक आपके विरोधी का बार बार आरोप है कि वो डरती नहीं, ये कहना, ये अपने आप में किस बात का, आपसे न कोई आप बाहुबली है न कुछ है, डर किस बात की? देखिए, दूसरे लोगों के ऊपर तो मुकदमा भी है, मैं तो 107-16 नहीं है मेरे ऊपर, और पूरे क्षेत्र के लोग जानते हैं। अब अगर कोई भय है तो उनको फिर चुनाव में आना नहीं चाहिए, भय वाले लोगों का यहाँ क्या हो सकता है? जो आदमी खुद डर रहा हो प्रत्याशी, उसको ज़रूरत क्या है यहाँ चुनाव लड़ने की? अरे जाए, अब रिटायरमेंट के कलाकार रिटायरमेंट के कगार पे जब आता है तो फिर जब खाली हो जाता है सोचता राजनीति कर ले। इस तरह की राजनीति ये 3 घंटे की पिक्चर नहीं है, ये 5 साल की सेवा का परिणाम जनता देने जा रही है। और लोगों को पता नहीं, मैं यहाँ से 3री बार विधायक हूँ, बाकी इससे पहले मैं पनियरा विधानसभा से विधायक था, कार्यकाल जोड़ रहे हैं 6 बार, लेकिन उन लोगों को यही नहीं पता कि मेरा पहले का क्षेत्र पनियरा विधानसभा था, जो अब कंपियागंज नया, जो ये नवसृजित विधानसभा है जिसका मैं पहला विधायक हूँ और अंतिम भी रहूँगा, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक रहूँगा, ईश्वर की कृपा रही। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ विरोधियों से कि अनावश्यक बातें न करें, मर्यादा में रहें, और मर्यादा में रह करके जो राजनीति का, जो चुनाव आयोग ने जो एक हम लोगों को संस्कृति दी है, जो एक पुस्तिका दी है, उसको भी अध्ययन कर ले किसके बारे में क्या बोलना। फेसबुक ट्विटर पर अनशन बोल देना, बदतमीजी की भाषा का प्रयोग करना, ये भी आचार संहिता का उल्लंघन है। रिटायर लोगों को ये सोच समझ के करना चाहिए कि कितने दिन वो अब राजनीति में रहेंगे, चुनाव हार जाएंगे, भग जाएंगे। इसलिए यहाँ से जो प्रत्याशी आए थे सपा के, वो भग गए, आज तक रुके नहीं। तो जातिगत समीकरण इस विधानसभा में कभी काम नहीं आया है, विकास का मुद्दा है, और परिवार के रूप में मैं विधानसभा को मानता हूँ, इसलिए यहाँ से हमेशा जनता आशीर्वाद दे। इसमें क्षेत्रीय लोगों के बारे में क्या आपके? देखिए, हम लोगों से सूची मांगी गई है फर्टिलाइजर से, हम लोग सूची बना रहे हैं और फरवरी के लास्ट से शुरू होगा और मार्च के एंड तक वो लोग अपना नियुक्तियां कर लेंगे।
चूँकि मोड ऑफ कंडक्ट आ गया है तो इसमें नियुक्तियों पर अभी रोक है, लेकिन जैसे ही ये ख़त्म होगा मोड ऑफ कंडक्ट, हमने अपनी सूची बना ली है। हम फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में वो जो नौजवान हैं जो मुझे मिला है कि भाई आप अपने लोगों का नाम दीजिए, मैं दे दूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार फर्टिलाइज़र और ऑल इंडिया के माध्यम से दिलाने का काम करूँगा। और रोज़गार की जो बात करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए, उन्हें यही नहीं पता कि रोज़गार कैसे मिलता है। मैं आह्वान करना चाहता हूँ विधानसभा के सभी लोगों से, जिन लोगों को योगी जी के नेतृत्व में 4.5 लाख नौकरी मिली है, इससे पहले किसी सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर रोज़गार नहीं दिया है, लेकिन क्या सभी लोग जानते हैं कि कोई पैसा चला इसमें? पहले क्या होता था, इटावा से सूची आती थी, कुछ गिने चुने लोगों के नाम होते थे, वो नौकरी पा जाते थे। आज गांव में किसी जात वर्ग विशेष का आदमी जो नौकरी पाया है वो एक भी कदम योगी जी को छोड़ के जाने वाला नहीं। वो कह रहा है कि बिना एक पैसा दिए मेरी नौकरी लगी है, हम लोग योगी जी के नेतृत्व में आगे उनके ऊपर आस्था रखते हैं और हम लोग रोजगार पाए हैं। ये कहना विरोधियों का बिल्कुल गलत है। इतने बड़े पैमाने पर रोजगार शायद ही किसी सरकार में मिला हो।